आप किधर थे? मैं स्कूल में इतना अकेला था, मैं रास्ता खो गया। पता था आपको? वो तो अच्छा हुआ अजीत काका मुझे यहाँ लेके आए, वरना पता नहीं मैं रास्ते में कहाँ खो जाता। सॉरी बेटा, तुझे भूख लगी होगी ना, जाके खाना खा ले। अर्चना मुझे माफ कर दो, ये तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? नहीं माना, मैं आपसे गुस्सा क्यों होंगी? गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है। अर्चना हाँ माना, मैं जानती हूँ गलती मुझसे हुई है। आप अपने काम में इतना बिजी रहते हैं और मैंने आप पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। आज से आप सिर्फ अपना काम करेंगे, मैं आपको घर के काम में इन्वॉल्व नहीं करूंगी। अर्चना मैं माफी मांग रहा हूँ तो तुम ताने क्यों मार रही हो? मैं जानबूझ के थोड़ी ना ऐसा करूंगा अर्चना, वो गलती से मैं गलती से। मानव आपको पता है इस गलती की हमें कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती? वो तो अच्छा हुआ कि अजीत ने सचिन को देख लिया और वो उसे घर लेकर आए, वरना पता नहीं क्या होता। अगर आपके पास टाइम नहीं था तो आप मुझे बता देते मानव, मैं सचिन को लेकर आ जाती। मैम कैसे? अच्छा मैम मैं तुमसे वादा करता हूँ आइंदा से ऐसा नहीं हो। आइंदा से ऐसा होगा ही नहीं मान। अर्चना सर मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मानव बात माफी की नहीं है, बात लापरवाही की है। आप इतने लापरवाह कभी नहीं थे मान। अर्चना आपको पता है इस बात का सचिन पर क्या असर हुआ होगा? आज तक हमने कभी सचिन को ये फील नहीं करने दी कि हम उसके सगे माँ बाप नहीं है। हमने कभी उसको इग्नोर नहीं किया, हमने बहुत लाड़ प्यार से उसे पाला। और मैं नहीं चाहती कि आगे कभी भी उसे उसे इस बात का एहसास हो, क्योंकि इसमें हार सिर्फ हमारी होगी। तुम कहो तो मैं उठक बैठक भी कर लेता। आप मुझसे बार बार माफी मत मांगा कीजिए। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या? देखो जब तुम मुझसे नाराज होते हो फिर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम मान जाते हो। जब तुम मान के मुस्कुराते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। मानव प्लीज अभी देखिए, मानव बहुत काम पड़ा है, प्लीज छोड़िए ना। अच्छा अभी तक तुम्हें इस बात की कंप्लेन थी कि मैं बिजी रहता हूँ, अब मैं प्यार करने पाया तो तुम बिजी हो गई, ये कहाँ से सही है? अगर मैंने अभी काम नहीं किया ना हा? तो आज घर के सब लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। अरे मुझे तो तुम्हें देख के मेरा पेट भर जाता। लेकिन चलो एक काम करते हैं, आज खाना बहुत अच्छा बनेगा, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि आज खाना बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बाप रे आज तो लगता है बहुत प्यार आ रहा है। हमेशा से था, तुम्हें दिखता नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये कपड़े? क्यों, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम? इन कपड़ों में ये प्रॉब्लम है कि ये ऑफिस के हैं तो आपको बदलने पड़ेंगे, फिर आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं ऐसे भी अच्छा खाना नहीं नहीं चलिए मानव चलिए चेंज करके आइए। अच्छा वो काम हो गया? जी सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
डीके सर, ये धर्मेश है, मैंने आपको बताया था इनके बारे में। सर ये वही हैं, बेंड्रा प्लॉट वाले। कहिए। सर एक्चुअली मुझे कुछ फाइनेंस की जरूरत थी। मिस्टर जयपुर वाला, जहां तक मुझे याद है आपका तो अपना बिजनेस है। है नहीं सर, था, अच्छा खासा बिजनेस था मेरा, लेकिन अब सब खत्म हो गया। सर प्रोडक्ट बनकर रेडी है, लेकिन मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं है। रॉ मटेरियल के लिए बैंक से लोन लिया था, तो वो लोग भी रीपेमेंट के लिए पीछे पड़े। सर अगर टाइम पर रीपेमेंट नहीं हुआ तो वो लोग मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। सर देखा जाए तो मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचकर उनका लोन चुका सकता हूँ, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे क्या चाहते हैं आप? सर अगर आप मुझे 90 लाख रुपए दे दें तो गारंटी। सर वो बेंड्रा वाला प्लॉट स्मार्ट। सर मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, लेन देन के सारे उसूल जानता हूँ, मैं ऑलरेडी पेपर्स लेकर आया हूँ। सर ओके, लेट बी। मेक अ चेक, गेट द कॉन्ट्रैक्ट रेडी। श्योर सर, आई विल गेट दैट राइट अवे। थैंक यू सर। मिस्टर जयपुर वाला, One minute. I'm just curious. आपका बिजनेस फेल हो गया, आपके पास पैसे भी नहीं, बैंक लोन ऑलरेडी है आपके ऊपर, हाउ डू यू चूज टू रिटर्न द लोन? सर मैं सोच रहा हूँ तब तक मैं किसी दूसरी कंपनी में नौकरी कर लूंगा। सर इफ यू डोंट माइंड एक बात कहूँ। सर आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, अगर मेरे लायक कोई नौकरी हो तो, मतलब मैं वहाँ जॉब करके इस बिज़नेस की छोटी मोटी बारीकियाँ भी सीख लूँगा और फ्यूचर में हमें साथ में एक आध प्रोजेक्ट करने का भी मौका मिल जाएगा। सर ऑलराइट मिस्टर जयपुर वाला, यू आर हायर्ड। मैं कमिंग सर। यस कमर। ठीक है सर, मैं आपसे बाद में बात करता। सर मानव, तुम यहां क्या कर रहे हो? यही सवाल मैं भी तुमसे पूछ रहा हूं। तुम मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? तुम्हारा केबिन? मतलब तुम इस कंपनी के मैनेजर हो? बिंगो। अब बताओगे तुम यहां क्या कर रहे हो? आई विल सी टुमारो। यस ओके सर। धर्मेश, ये धर्मेश हैं, आज से हमारे साथ काम करेंगे एज एन असिस्टेंट मैनेजर तुम्हारे अंदर। थैंक यू सर। जस्ट एक्सक्यूज अस फॉर अ मोमेंट प्लीज। श्योर सर। आओ धर्मेश, आओ बैठो। अरे बैठो सीधा।
और धर्मेश, मैं हमेशा से सोचता था कि जिंदगी सबको एक दिन उसकी औकात दिखा देती। अच्छा वैसे तुम अकेले आए, वो तुम अपने साथ अपनी छोटी शान को लेके नहीं? हाँ, तो सब मेरे नेचर का एक हिस्सा है, मानो मेरे जीते जी कभी नहीं जाएगी। आज मैं मजबूर हूँ जो तुम्हारे अंडर काम कर रहा हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम मेरे बॉस बनकर मेरे सर पर नाचने वाले हो, तो मैं डीके सर का कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं करता। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वैसे भी ये कंपनी किसी को दूसरा चांस तो देती नहीं। मैं डीके सर से कह दूंगा कि वो तुमसे पैसे वापस ले ले और मेरा दरवाजा, गेट आउट। सॉरी सर। काश मैंने ये कंपनी ज्वाइन ना की होती, कम से कम इसे रोज गुड मॉर्निंग तो नहीं करना पड़ता। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग धर्मेश। मर गया धर्मेश, जस्ट गो टू हेल। सॉरी सर, मुझे लगा। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नो सर। जो फाइल मैंने मांगी थी अब तक पहुंची क्यों नहीं? एक्चुअली सर, उसमें अभी थोड़ा काम बाकी है। मानव ने रिजेक्ट किया? नो सर, मैंने वो फाइल अभी तक मानव को मानव सर को दिखाई नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फिक्स करके ही मैं मानव सर को फाइल दिखाऊंगा। ऑलराइट, आई वांट टू हियर एसएपी। शोनू का देर ले शोनू। उठ यहाँ से। क्यों उठू? क्यों उठू क्या? मेरे शोनू को उठा के तुमने वहाँ क्यों रखा? बोल वहाँ क्यों रखा? कुत्ता। ए कुत्ता मत बोलना, कुत्ता मत बोलना, मेरा बच्चा है वो। कुत्ता कर यहाँ बिठा दे। उठ उठ मैं लेकर आती हूँ ना दामों को, अपने दामों को। लेकर आप प्लीज, जरा आप वहाँ बैठेंगे प्लीज। ताई मैं लेकर आती हूँ। दामू आजा आजा मेरा बेड पर, आजा चोनू, आजा बेड 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 बेड, चोनू को बिता, चोनू को बिता, बैठ लाजा मेरे दामू, चोनू बैठिए, बिता दो उसको, रहेगा नहीं तो। आइए आइए आइए। नमस्ते ताई, मेरी फ्रेंड्स है सब। ये सविता ताई, मेरी समधन। सबको विजिटिंग कार्ड देती हूँ, आप रखना, आप रखना, आप भी लीजिए। आप हाउसवाइफ हैं और ये कार्ड? नंबर लिखा है ना, फोन करना, अभी मैं बात करूंगी, सब बातें करूंगी। हा? अभी नहीं, फोन पे। चलो चलो चलो, सब लोग तो आ गए हैं, इंतजार किस बात का है, चलो बांटना स्टार्ट करो। सविता दे, एक छोटा सा काम था आपसे। बोलो ना।
वो क्या है ना, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, बहुत जल्दबाजी में पैसे लाना ही भूल गई मैं। आप हमेशा ही पैसे लाना भूलती है और देना भी भूलती है, फिर भी देती हूँ देती हूँ। नहीं वो बात ऐसी है ना ताई, मेरे मेरे बेटे की आमदनी तो आपके बेटे की जितनी है नहीं, जब उतनी हो जाएगी ना मैं खुद आकर आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं भी तो मेरा भी आपके सिवा कौन है, मैं सिर्फ आपसे ही पैसे मांग सकती हूँ। जाने दो नाटक, जाने दो, ये रखो लो। थैंक यू वेरी मच। चलो चलते हैं। रसिका आप इन्हें हमारे क्लब के मेंबर क्यों नहीं बना लेती हैं? आइडिया तो अच्छा है लेकिन क्या कुसुर पुसुर चल रही है? नहीं ताई, वो हम हमारे क्लब के बारे में बात कर रहे थे। वो क्या है ना, यहाँ हम सारी औरतें इकट्ठा होती हैं, बहुत मस्ती करते हैं, पार्टी मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, ताश खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि क्यों ना आपको भी मेंबर बनाएं। अरे बनती हूँ ना। हाँ लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या है? इस क्लब की मेंबरशिप है ना, उसकी फीस 25,000 रुपीज है। नहीं नहीं लेकिन आपको अगर 25,000 रुपए ज्यादा लगते तो ठीक है, रहने दीजिए। क्यों नहीं दे सकती हुँ? क्यों नहीं दे सकती? मेरा बेटा ना दिन में इससे भी ज्यादा कमाता है। दे दूंगी मैं, घर जाते समय आना, पैसे लेके जाना और बाद में मेरे दामू को यहाँ से अगर कोई उठाएगा ना तो ध्यान में रखना, मेरा नाम सविता देशमुख है। समझ में आया? मैं कम इन सर। फाइल पे सिग्नेचर चाहिए तुम्हारे। ओह क्या है? ये तुम ना ही जानो तो अच्छा है, पर ना तुम इस पे सिग्नेचर नहीं करो। दरवेश तुम जैसे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है पता है? तुम लोग दुनिया में जितने लोग हैं तुम लोग सोचते हो कि वो सब तुम्हारी तरह जलील और कमीने हैं, ऐसा होता नहीं। और मैं किसी के भी प्रोग्रेस से जेलस फील नहीं करता, खास करके तुम्हारे। तुम्हारा तो मैं नुकसान ज़रा भी नहीं देख सकता यार, क्योंकि तुमने मुझ पर इतने सारे एहसान किए। एहसान? हाँ, अगर उस पार्टी में तुम मुझे जलील नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता और तुम वहाँ नहीं खड़े होते। खैर लो अपनी फाइल, देखो क्या है इसमें। तुम सही थे, मैं इस फाइल पे साइन नहीं करूं। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट लोगों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुम लोग अपने सपने पूरे करने के लिए लोगों को झूठे सपने दिखाते हो और मैं इस बात में भागीदार नहीं बनूं। लेकिन बिजनेस ऐसे ही किया जाता है, प्रोजेक्ट अपने मुनाफे के लिए ही खड़े किए जाते हैं। अच्छा अब तुम मुझे बिजनेस करना सिखाओ। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो इसलिए आज तुम वहां। तुम सही नहीं कर रहे हो, आखिर तुमने अपना असली रंग दिखाई दिया। पर्सनल प्रॉब्लम्स को बीच में ले ही आए ना तुम। मानो ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें कोई लूप होल नहीं है, फिर भी तुमने इसे रिजेक्ट किया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। यार एक बात बता, तू अपने आप को इतना ओवर एस्टिमेट कैसे कर लेते? और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स और अपने बिजनेस को दूर रखता हूँ। और जहाँ तक तुमसे बदला लेने की बात है, मुझे 2 सेकेंड लगे और तू यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक नजर नहीं आएगा।